हेलो फ्रेंड, पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले भेज पराठा और टमाटर की चटनी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। आपने आलू के पराठे, मेथी के पराठे जरूर खाए होंगे, लेकिन आज सारी सब्जी को हम मिक्स करके भेज पराठा बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। वेजिटेबल पराठा बनाने के लिए मैंने ये इन्ग्रीडियंट्स लिया है। गाजर मैं ली हूँ मीडियम साइज़ की, इसे मैं अच्छे तरह से कद्दूकस कर ली हूँ, 1/4 कप। मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, 2 आलू, इसे मैं अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली हूँ, 1/2 कप। बंधा पत्ता 1/2 कप। धनिया पत्ता 1/4 कप। मटर उबला हुआ, गोभी 1/2 कप। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अदरक लहसुन को क्रश कर ली हूँ अच्छी तरीके से, 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज़ की और 3 लाल मिर्ची, इसे मैं अच्छी तरीके से उबाल लूँगी 5 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं कि टमाटर को मैं अच्छी तरह से उबाल ली हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 हरी मिर्च और 1 स्मॉल साइज़ की प्याज, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। इस सबको एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 कप आटा लिया है मेजरमेंट कप से। अब इसमें मैं सारे सामग्री मिलाऊंगी। तो यहाँ पे गोभी, गाजर, बंधा पत्ता, आलू, प्याज, मटर, हरी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, धनिया पत्ता। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच रिफाइन, 2 चम्मच रिफाइन अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ मैं। अब मैं आटे को अच्छी तरह से गूंथ लूँगी। आटा को मैं अच्छी तरह से गूंथ लूँगी, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तब तक मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। देख सकते हैं, इसे मैं अच्छी तरह से पीस ली हूँ मिक्सी में। अब मैं इसे फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच सरसों तेल, 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम कम करके आधा चम्मच इसमें नमक डालूंगी मैं।
अच्छे से मिला लूंगी इसे। दो से तीन मिनट तक इसे अच्छे तरीके से पकाना है। चटनी मेरी बन के तैयार हो गई है। अब इसे एक बाउल में मैं निकाल लूंगी। 10 मिनट हो गया है, आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गई है आटा। अब इसके मैं पराठे बनाऊंगी। कि मैं छोटी सी लोई लूंगी, इसे अच्छी तरह से राउंड शेप दूंगी, आटे लगा के इस तरह से बेलूंगी राउंड शेप में। आप कोई भी आकार दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना मोटा बेलना है और ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। ये देखिए इस तरीके में से मैं पराठे बना ली हूँ। इस तरीके से मैं बेल ली हूँ। तवा मेरा गर्म हो गया है। अब इसे मैं दोनों तरफ से सेकूंगी। रिफाइंड ऑयल लगाऊंगी। दोनों तरफ लगाना है, मैं इस तरफ भी लगाऊंगी। दोनों तरफ से इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम में ये देखिए मेरा पराठा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड, भेज पराठा और चटनी बनके तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर जिस तरीके से मैं बनाई हूँ, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली रेसिपी आप आसानी से देख सकते हैं।